हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे छोटे बच्चे के लिए बहुत ही सुंदर सी कैप बनाना। तो कैप बनाने के लिए इस फैब्रिक की लेंथ मैंने ली है 16 इंच और वेथ है 9 इंच। अगर आप सर्दियों के लिए कैप बना रहे हैं तो आप गर्म कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सूट बनाए जाते हैं, तो उस फैब्रिक का बचे हुए कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो आप कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैंने 9 इंच पे मार्क लगा लिया तिरछा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक गोलाई कर लेनी है। और इसकी कटिंग कर लेनी है 9 इंच। गर्मियों में ये कैप आपके बच्चे को धूप से बचाव करेगी और सर्दियों में ठंड से बचाव करेगी। बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। तो दोनों तरफ से मैंने लगा लिया नोचिस। अब ये फैब्रिक लिया है 12x6 इंच का, यानी 12x6 इंच का। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसकी भी हमें एक तरफ से यूं हमें तिरछा मार्क लगाना है। ये हमारी कैप के आगे के हिस्से में आएगा, तो इसको हमें कटिंग कर लेना है ऐसे मिला के। थोड़ी तिरछी कटिंग करनी है हमें, जो शेप आपको अच्छी लगे वो आप इसमें कटिंग कर ले ऐसे। और ये सेंटर से भी काट लेना है। देखिए, हमने ये एक स्ट्रिप और ले ली है। इसकी लेंथ है 28 इंच और वेथ इसकी है 3 इंच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने ये गोलाई वाला हिस्सा है, जो हमने गोलाई काटी है, इसका हमें सेंटर पे पहले नोचिस लगा लेना है। और सेंटर से देखिए, इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स डाल के हमें इस कपड़े को कितना करना है, तो इसके लिए हम फ्लैप लेंगे। फ्लैप का जो सीधा वाला कटिंग हिस्सा है उसको देखिए सेंटर से आप मिलाइए दोनों का, कैप का भी और फ्लैप का भी, ये दोनों। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम छोटे छोटे से प्लीट्स डालेंगे और सेंटर से उसकी लेंथ जो है फ्लैप के ये वाले हिस्से तक होनी चाहिए। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने 35 इंच लेंथ की ये वाइट स्ट्रिप ले ली है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। और इससे देखिए मैंने ये गैदर्स डाल लिए हैं कैप में। सेंटर से आप बिल्कुल बराबर कर लीजिए, दोनों साइड पे बराबर गैदर्स होने चाहिए। अब हम ये फ्लैप वाला हिस्सा लेंगे, ये टोपी के आगे के हिस्से में आएगा। और इस पे भी हम सेंटर पे नोचिस लगा लेंगे। नोचिस लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो ये वाइट स्ट्रिप है इसको हमें डबल कर लेना है और इसे हमें इस फ्लैप के एक हिस्से पर ऐसे स्टिच करना है। जो फोल्ड वाली साइड है उसे हम अंदर की साइड करेंगे और छोटे छोटे गैदर्स जैसे कि वन वे प्लीट डाल के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें फ्लैप पे इस वाइट स्ट्रिप को लगाना है। डबल मैंने कर लिया, इसे फोल्ड कर लिया है और छोटे छोटे हमें इसमें प्लीट्स डालनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो एंड तक हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए, सेंटर से मैंने इस प्लीट्स का जो रुख है वो बदल दिया है।
और एंड तक इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने 22 स्ट्रिप लगाने के बाद फ्लैप का दूसरा वाला हिस्सा भी इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस फैब्रिक के एकदम किनारे पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने एकदम किनारे पे भी स्टिच लगा ली। अब इसे हमें यहाँ पर भी थोड़े गैदर्स देने हैं। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर से हमें दो प्लीट्स लेफ्ट हैंड और दो प्लीट्स राइट हैंड की तरफ भी लगा लेनी है। तो इसकी शेप जो है बनने के बाद यूं आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर दो दो प्लीट्स हमें डाल लेनी है सेंटर से लेफ्ट हैंड राइट की साइड। तो देखिए मैंने गैदर्स डाल लिए, 5.5 इंच का ये है। अब ये गर्दन वाला एरिया है। अब हम इसे फ्लैप के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो सेंटर है, यहाँ से हमें इसे स्टिच करना है। तो ये सेंटर जो है ये वाला हिस्सा और कैप का जो सेंटर वाला हिस्सा है, पहले हम उसे सिलेंगे एकदम बराबर करके यूं एक तरफ और दूसरी तरफ भी। तो ये मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने फ्लैप का एक हिस्सा जो है कैप के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे यूं रखेंगे। ये हिस्सा सीधी साइड का है। देखिए यहाँ पर जब मैंने स्टिच किया है तो झालर को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से इस वाले फैब्रिक को का किनारा अंदर की तरफ करेंगे और जो हमने पहले स्टिच लगाई है ठीक उसके ऊपर इस फैब्रिक को रख के एकदम किनारे पे हमें स्टिच लगा लेनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है एंड तक। तो ये भी स्टिच मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ आगे। तो ये देखिए मैंने फ्लैप पे कैप लगा ली है ऐसे। अब हमने ये स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले सेंटर पे नोचिस देना है इधर भी और इधर भी। तो देखिए 14 इंच इसकी डबल करने के बाद लेंथ है। टोटल लेंथ इसकी 28 इंच है। तो ये देखिए ये वाला सेंटर पॉइंट कैप का और स्ट्रिप का आपस में मिलाना है हमें और यूं स्टिच कर लेना है ऐसे और यहाँ तक। तो ये मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ आगे। तो ये देखिए हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया कैप के साथ ऐसे। अब स्ट्रिप को हम टर्न करके सीधी साइड को लेके आएंगे दूसरा किनारा और इस तरीके से स्टिच करेंगे। जब यहाँ तक आएंगे तो दोनों किनारों को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे किनारे पे ऐसे एंड तक यूं। और इधर का किनारा भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हमें सेंटर से दूसरी साइड भी स्टिच लगा के इस स्ट्रिप को कंप्लीट कर लेना है। तो ये भी मैं आपको आगे करके दिखा देती हूँ। जब हम यहाँ पर आएंगे दोनों किनारे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एंड तक किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इस कैप को कंप्लीट कर लिया है। तो ये नेक के पिछले हिस्से में आएगी स्ट्रिप और ये वाइट वाला हिस्सा जाएगा फेस की तरफ।
तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें कैप बनाने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम नेक पे इसे आगे नोट लगा सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।